हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। फ्यूचर रिटेल के ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, जिसके चलते आज हमें फ्यूचर रिटेल में 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल में अब आपको कंटिन्यूसली अपर सर्किट ही देखने को मिलेगी, और यहाँ से आपको एक बड़ी तेज़ी फ्यूचर रिटेल में देखने को मिल सकती है, जो कि खबर ही अपने आप में इतनी बड़ी निकल के आई है। और इस खबर के चलते हमें साथ में रिलायंस में भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2% से भी ज़्यादा का हमें तेज़ी के साथ रिलायंस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रिलायंस में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। 10 दिन पहले ही रिलायंस तकरीबन 1890 रुपये के आसपास लो बनाता हुआ हमें नजर आया था, और वहाँ से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इसमें देखा जाए तो पिछले 3 दिन से हमें कंटिन्यूसली तेज़ी देखने को मिल रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो तेज़ी ऐसे ही नहीं बनी हुई है दोस्तों। इतनी बड़ी खबर निकल के आने वाले थे, जिसके चलते हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेज़ी देखने को मिल रही थी। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उसको तो पहले ही पता सब चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या खबर निकल के आने वाली होती है, तो उन लोगों ने तो अपनी पोजीशन पहले ही बना ली होती है दोस्तों। और अब यहाँ पे जो खबर निकल के आती है, और उसके बाद हम जैसे रिटेलर अपनी पोजीशन बनाते हैं, जो कि डिस्काउंट में ही देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी तेज़ी देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपको एक बढ़िया तेज़ी और भी देखने को मिल सकता है। तकरीबन 2200 तक का लेवल आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनानी है। और फ्यूचर रिटेल की बात करें तो फ्यूचर रिटेल में आगे किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हो, हम चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या लेवल और टारगेट सकते हैं उसके ऊपर हम पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जो खबर निकल के आई हो तो जबरदस्त खबर देखने को मिल रही है, तो उस खबर के ऊपर भी हम पूरा एनालिसिस करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नजर है, तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे जो खबर देखने को मिल रही है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में जो डील हुई थी फ्यूचर रिटेल को लेकर, उसमें आपको पता ही होगा कि अमेजोन ने बीच में टांग अड़ाई थी, और इसके चलते कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था, और अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। और अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे सेबी की ओर से अप्रूवल आ चुका है, और ये जो डील होने वाले थे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में फ्यूचर रिटेल को लेके, वो फाइनली यहाँ पे सेबी की ओर से मंजूरी आती हुई देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों फ्यूचर रिटेल के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जिसके चलते आज हमें दोनों स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ग्रांटेड अप्रूवल टू द डील बिटवीन किशोर बयानी एंड मुकेश अंबानी के बीच में जो डील हुई थी फ्यूचर रिटेल को लेके, उसका फाइनली दोस्तों अप्रूवल आ चुका है सेबी की ओर से, जिसके चलते हमें आज इन दोनों स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और आपको पता होगा कि जो डील हुई थी वो 24,713 करोड़ में डील हुई थी, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल का जो बिजनेस था फ्यूचर रिटेल का, उसमें बात करें तो होलसेल, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस, इन सभी के ऊपर अब कहीं ना कहीं रिलायंस कमान संभालता हुआ आपको नजर आएगा, और कहीं ना कहीं अब रिलायंस के हाथ में फ्यूचर रिटेल का बिजनेस आता हुआ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके चलते हमें फ्यूचर रिटेल में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और आगे क्या पॉसिबल लेवल और टारगेट आ सकते हैं फ्यूचर रिटेल में, उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे मैंने फ्यूचर रिटेल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है, बड़ी टाइम फ्रेम पे दोस्तों चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें फ्यूचर रिटेल में देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल क्या टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में जब डील हुई थी उस टाइम पर हमें भारी तेजी देखने को मिली थी। ये तीन बड़ी कैंडल यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमें 20-20% का अपर सर्किट देखने को मिला था, और उसके बाद हमें भारी गिरावट भी देखने को मिले थे। और बाद में पता चला कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में जो डील हुई, इस डील के बीच में अमेजोन ने टांग अड़ाई, जिसके चलते हमें काफ़ी टाइम तक फ्यूचर रिटेल में प्रेशर देखने को मिला, और उसके चलते कहीं ना कहीं हमें रिलायंस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था।
तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला फ्यूचर रिटेल में, और फाइनली जिस तरह से खबर निकल गई है आज, और इस खबर के चलते 5% के ऊपर सर्किट के साथ अब यहाँ से पूरी तरह से रेडी है फ्यूचर रिटेल तेजी दिखाने के लिए दोस्तों। और फ्यूचर रिटेल ने जो लो बनाया था वो तकरीबन 68 के आसपास लो बनाया था, और अब जिस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सर्किट के साथ हमें तेजी देखने को मिल रही है, और खबर भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। और यहाँ पे जो पहला रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आ रहा है वो 82 रुपये का, तो मुझे लगता है कि आसानी से रजिस्ट्रेशन लेवल आपको ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक इसी रेंज के अंदर सस्टेन होता हुआ हमें फ्यूचर रिटेल नज़र आया था। अब ये रजिस्ट्रेशन लेवल आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा अपर सर्किट के साथ, और उसके ऊपर जो दूसरा रजिस्ट्रेशन लेवल आएगा ऑन 92 का, जो कि देखा जाए तो पिछले दो बार हमें इसी रजिस्ट्रेशन लेवल के आसपास दो बार रिजेक्शन देखने को मिला था, और वो भी रजिस्ट्रेशन लेवल आपको अब नेक्स्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन लेवल भी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, वो भी अपर सर्किट के साथ ही दोस्तों। और उसके ऊपर जो तीसरा रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आ रहा है वो 100 रुपये का रजिस्ट्रेंस लेवल नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि 100 रुपये तक तो आपको फ्यूचर रिटेल अपर सर्किट के साथ ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, और उसके ऊपर भी देखा जाए दोस्तों तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 116 रुपये का आसपास का, तो इस रजिस्ट्रेशन लेवल के आसपास मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल आपको संभलता हुआ नज़र आएगा। थोड़ी बहुत इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल भी सकती है दोस्तों, और जब भी मौका मिले फ्यूचर रिटेल में खरीदारी करने का तो मेरी राय रहेगी कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो सेलिंग करने का दोस्तों आप सोचिए ना, पिछले 4 से 5 साल तक अगर आपने फ्यूचर रिटेल को होल्ड कर लिया तो फ्यूचर रिटेल आपको लखपति बनाने से रोक नहीं सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतनी भारी आपको फ्यूचर रिटेल में तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो कमान संभाली है फ्यूचर रिटेल के, तो यहाँ से आपको फ्यूचर रिटेल मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया पोजीशन बनाई है तो दोस्तों सेलिंग ना करें, आपको आंख बंद करके दोस्तों आप नींद चैन की नींद सो जाइए, आपको फ्यूचर रिटेल बड़ा पैसा बना के दे सकता है। तो दोस्तों पोजीशन को होल्ड कीजिए, और मौका मिले खरीदारी का तब खरीदारी कीजिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आए तब आप खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो करेक्शन आएगा, तो करेक्शन आएगा उसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।